फिर से आ गई हूँ एक और चैलेंज के साथ अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो है मेरा जिसमें मैंने आप सभी की एग्जाम ली थी और आप उस एग्जाम में खड़े उतरे थे सभी लोग और क्या मेकअप किया था यार सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं चैलेंजेस दूंगी ना तो आप मेकअप जल्दी सीख पाओगे तो ये मेकअप आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक चैलेंज एक एग्जाम है आपकी आपको करना क्या है ये पूरा मेकअप आपको फुल लुक देखना है और इसे रिक्रिएट करना है लेकिन बहुत ही अच्छे से रिक्रिएट करेगा और अगर ये लुक अचीव करना चाहते हो आप सीखना चाहते हो तो उसके लिए वीडियो पे पूरा ध्यान दो और वीडियो से ज्यादा आपको मेरी बातों पे भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मैं काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ वीडियोस में आप सभी भी जानते हो और जितने भी नए लोग पहली बार इस वीडियो को या मेरे चैनल पे आए हो हाय गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ कशिश जैन फ्रॉम पीके मेकअप स्टूडियो सूरत और आप आए हैं बहुत ही अमेजिंग मेकअप चैनल पे जिसपे आपको डिटेल में सारे टाइप के मेकअप सीखने मिलेंगे आज सिखाने वाली हूँ वॉटरप्रूफ नेचुरल मेकअप और उसके साथ साथ ये आउटस्टैंडिंग आई मेकअप मैं आपको बताने वाली हूँ सब बने रहिए पूरे वीडियो में और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए यार जितने भी नए लोग हैं बाकी पुराने लोग तो यार यू you नो know, आप लोग तो एकदम जान हो मेरी ठीक है so सो यहाँ पे मैंने फेस क्लीन किया टोनर यूज किया विच वॉज गुड वाइब्स विटामिन सी उसके बाद मैंने एमरोल इसका मॉइस्चराइजर लगाया और यहाँ पे मैं यूज करी हूँ मेकअप स्टूडियो का प्राइमर आप जैसे कि स्किन टोन देख सकते हो थोड़ा सा विटिश है राइट सो so उसके अकॉर्डिंग हम मेकअप करेंगे एकदम नेचुरल मेकअप आज मैं करने वाली हूँ वेरी वेरी नेचुरल आप भी तक शायद ही मेरे पेज पे ऐसा मेकअप है सॉरी पेज नहीं चैनल हाँ

आफ्टर कॉन्टोर बारी आती है फेस हाईलाइटिंग फेस हाईलाइटिंग के लिए मैं यूज करी हूँ ई एल एफ के दो कंसीलर शेड एंड ई एल एफ के कंसीलर शेड मैं ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियो में कौन कौन से कंसीलर्स लेने चाहिए वो मैं पहले के मेरे वीडियोज में बता चुकी हूँ सो so, जिन्होंने मेरे पहले के वीडियोज नहीं देखे ना जाके देख लो यार बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया है सो डोंट मिस माई ओल्ड वीडियोज एज वेल गाइज एंड अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेज तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे यानी कि सेवन डबल टू एट डबल नाइन डबल सिक्स डबल फाइव पे डायरेक्टली हमें कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हो एंड आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस की उसके बाद मैंने सबसे पहले जो हाईलाइटिंग शीट थे जो हाईलाइटिंग कंसीलर मैंने लगाया था उसे मैंने ब्लेंड कर दिया है उसके बाद मैं कॉन्टोर को ब्लेंड कर रही हूँ एंड गाइज ट्रस्ट मी आप ये मेकअप जब रिक्रिएट करोगे ना आपको इतना मजा आएगा ना यू विल लव दिस लुक जब आप ट्राई करोगे बिकॉज

उसके बाद यहाँ पे मैं लूज पाउडर से मैंने बेकिंग की है और लूज पाउडर मैंने यूज किया है हुडा ब्यूटी का पाउंड केक एंड थोड़ा सा मैंने ब्लश यूज किया है फ्रॉम ब्यूटी कलर ब्लश पैलेट वेरी वेरी लाइट ब्लश ऑन नॉट बहुत ज्यादा नहीं बिकॉज यहाँ पे कंटोनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं यूज करी हूँ ऑफरा का हाईलाइटर और फ्रेंड ब्रश के यूज से मैं ये लगा रही हूँ एंड यू कैन जस्ट सी द शाइन सभी लोग मुझे पूछते हैं अक्सर मुझे कमेंट आते हैं कि आपका फेवरेट मेकअप लुक क्या कौन सा है सो दिस इज द लुक जो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है एंड आई थिंक आपको मेरी आवाज में थोड़ा सा चेंजेस लग रहा है बिकॉज आई एम नॉट सो वेल एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे अपना ध्यान रखिएगा सभी लोग यहाँ पे मैं यूज करी हूँ आईब्रो डिफाइनर चलिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आ चुका है विच इज आई मेकअप एंड मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपको आई मेकअप सिखाने के लिए सो नोट और पेन लेके बैठ जाइए और आई मेकअप देखिए और इसे रिक्रिएट करिए और अगर नहीं समझ में आ रहा ना हर चीज को बार बार देखिए बारीकी से देखिए ऑब्जर्वेशन कीजिए तभी आप हर चीज को समझ पाएंगे यहाँ पे हमारा आईब्रो डिफाइनिंग हो चुका है गाइज अगर आप इस मेकअप लुक के फोटोज देखना चाहते हो ना तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो मेरा इंस्टाग्राम आई डी है कशिश जीन सिक्स वन थ्री आई नो आप सब फॉलो करते हो लेकिन नए लोग आते हैं यार मेरे चैनल पे तो उनको भी बताना पड़ता है यार बार बार समझा करो थोड़ा उसके बाद यहाँ पे मैंने कंसीलर यूज किया है बहुत ही कम क्वांटिटी में याद रहे बहुत ही कम क्वांटिटी लगानी बहुत ज्यादा प्लीज ना लगाए ओके okay, उसके बाद यहाँ पे मैंने जेल जलाइनर से एक शेप दिया है प्लीज बहुत ध्यान से देखिए मैं थोड़ी देर चुप हो जाती हूँ ऐसा करती हूँ जेल जलाइनर से शेप देने के बाद यहाँ पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ यूजिंग अ पर्पल शेड पर्पल कलर से मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ उसके बाद इस तरह से एक पिंक कलर का शेड लिया मैंने और उसे मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ अभी मैं चुप हो जाती हूँ नहीं 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 मैं बोलती रहती हूँ ताकि आप चीज समझ पाओ अगेन मैं दूसरी तरफ भी यूज करी हूं, जेल लाइनर उसे मैंने क्या किया पोवल से समर्ज किया है एंड फिर लाइट पिंक लेके पर्पल को समझ आउट कर दिया मतलब कितने तीन कलर्स हो गए राइट तो आप सिर्फ आप कलर काउंट करो देखती हूँ मैंने कितने कलर यूज़ किए सीरियसली मैंने ये आई मेकअप में बहुत मेहनत करी बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं कुछ यूट्यूब फैमिली पे मेरी इंस्टाग्राम फैमिली को कुछ नया और अलग करके दिखाऊँ सो आई डिड दैट एंड मुझे प्लीज आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा ठीक है कमेंट करने में दो सेकेंड लगता है यार कर देना ठीक है और शेयर करने में तो उससे भी कम टाइम लगता है तो शेयर भी प्लीज़ इस वीडियो को करिएगा मैं चाहती हूँ कि मेरा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा चले देखे सभी लोगों के पास ही वीडियो पहुंचे ओके यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मैंने कटक्रीज बना दी है कटक्रीज के लिए मैंने कंसीलर यूज किया अब यहाँ पे मैंने अगेन इंग्लॉड का जेलाइनर लिया और उसे एक शेप मैंने क्रिएट किया एक शेप आप लोग देख सकते हो वो शेप मैंने क्रिएट किया उसके बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया एक डार्क कलर पर्पल शेड पर्पल के बाद यहाँ पे मैंने लिया है यू कैन से लेवेंडर कलर का शेड है ये लाइट पर्पल में आप काउंट करो उसके बाद यहाँ पे ली लैक कलर में ले रही हूँ विच इज लाइक हम लोग क्या कर रहे हैं बता डार्क टू लाइट में जा रहे तो इस चीज पे ध्यान देना डार्क टू लाइट या सेम ऑन दी अदर साइड ओके फिर पर्पल और मैं पता है ये वीडियो के लिए इतनी एक्साइटेड फाइनली समथिंग न्यू फॉर माई यूट्यूब फैमिली और मुझे आप लोगों को आप लोगों के लिए हर नया चीज करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है क्योंकि आप लोग भी मुझे उतना ही सपोर्ट करते हो और हम लोग टू फिफ्टी के फैमिली हो चुके हैं और जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है लव यू गाइज सो सो मच एंड थैंक यू सो मच गाइज तो इनर कॉर्नर में मैंने यहाँ पे यूज किया है एकदम बेज कलर क्योंकि इनर कॉर्नर अगर आपका लाइट होगा ना तो आपका आई मेकअप बहुत ही सुंदर दिखेगा उसके बाद यहाँ पे मैं लूज ग्लिटर अप्लाई करी हूँ टू वे जेल का यूज करा है मैंने लूज ग्लिटर को स्टिक करने के लिए टू वे जेल मैंने यूज किया है मेकअप स्टूडियो ब्रांड का क्योंकि मुझे पता है आप कमेंट में पूछो कि आपने ब्रांड नहीं बताया बट मैंने बताया और हर वीडियो में मैं बताती हूँ आप लोग सुनते नहीं हो मेरी आवाज बराबर आज थोड़ी अच्छी नहीं आ रही आवाज बट ठीक है अभी कोई बात नहीं आपको चलेगा ना मुझे लगता है चल जाएगा कोई बात नहीं उसके बाद मैंने व्हाइट काजल यूज किया और जेल लाइनर यूज करी रही हूँ लाइनर यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ सेम दूसरे तरफ मैं अप्लाई कर रही हूँ सीधा आई लुक माय गॉड गॉर्ड सो सो गॉर्जियस यार आई एम जस्ट आई एम जस्ट सो ऑब्जर्व विद दिस आई लुक एंड मुझे बताना आप लोगों को फेस मेकअप या आई मेकअप दोनों में से क्या अच्छा लगा एंड वो जो वाटर स्प्रे वाला वीडियो है ना माय गॉड दैट इज ऑन फायर ओके सो यहाँ पे आई मेकअप इज ऑलमोस्ट डन अभी लिपस्टिक की बारी आ गई है मैं लिपस्टिक में मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्लॉस यूज किया आप लोग देख सकते हो मैं सिर्फ ग्लॉस यूज करी हूँ जो की फेंटी ब्यूटी का एंड थोड़ा सा यू नो लोअर लैश लाइन पे मैं यूज करी हूं। पर्पल कलर का आई सबसे पहले सिर्फ स्मज मैंने कर दिया है अभी तो देखो ओनली स्मजिंग नथिंग एल्स मैंने सोचा ऑलरेडी आई मेकअप इतना किया तो सिर्फ स्मजिंग ही करती हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं यूज करी मेकअप फिक्स जिससे हमारा मेकअप हो चुका है फिक्स सो डोंट हैगेट अगर आप एयर ब्रश मेकअप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना यहाँ पे मैं अगेन थोड़ा सा हाईलाइटर यूज करी एकदम शाइनी लगना चाहिए ना मेकअप इसीलिए सो सो डोंट फगेट आपको ये लुक रिक्रिएट करना है आप लोगों को मैंने टास्क दिया है आप लोगों को मैंने चैलेंज दिया है so, सो मुझे पता है मेरी जो फैमिली जब चैलेंज की बात आती है ना तो एकदम खरी उतरती है और ये आप देख सकते हो वाटर स्प्रे मेरे तो सारे मेकअप वाटर प्रूफ होते हैं मतलब किसी भी मेकअप पे मैं वाटर डालू नहीं निकलता क्योंकि ब्लेंडिंग ही इतनी अच्छी होती है यार गाइस ब्लेंडिंग पे ध्यान दो सारे मेकअप वाटर प्रूफ हो जाएंगे यार बिल्कुल द जस्ट डोंट वरी अबाउट वाटर प्रूफ मेकअप ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आप कर सकते हो वाटर प्रूफ मेकअप एंड यूर वी आर डाउन विद दिस लुक एंड आई होप आपको मजा आया होगा ये लुक देखने में एंड डोंट फगेट यू हैव टू रिक्रिएट थैंक यू सो माइ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डोंट फगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट ऑन दिस पोस्ट बाई एवरी टेक केयर